आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। मुंबई में इस वक्त मेरे साथ हैं सना मलिक, नवाब मलिक की बेटी। लेकिन सिर्फ यही उनका परिचय नहीं है। नवाब मलिक ने अपनी राजनीतिक विरासत अनुशक्ति नगर से इस बार सना मलिक को सौंप दी और खुद नवाब मलिक अबू आजमी के खिलाफ अबू आजमी की सीट पर चुनाव लड़ने के लिए उतर आए हैं। सना मलिक, पहले तो यही बताइए कि अपने पिता की विरासत संभालने आप उतरी हैं, जीत का कितना भरोसा है और क्यों? पूरा भरोसा है जीत का, क्योंकि लगातार पिछले 7 सालों से अनुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र में पिताजी के साथ राजकीय और सोशल वर्क दोनों ही करते आई हूँ। पहले उनके साथ करती थी, उनके नेतृत्व के नीचे करती थी, लेकिन जो शॉर्ट टर्म एब्सेंस था पिताजी का, तो डायरेक्ट लीड लेना पड़ा। लोगों ने, जब वो जेल में थे, जी डायरेक्ट लीड लेना पड़ा। कुर्ला में लोग आते थे पिताजी से मिलने के लिए, और जो हमारी ऑफिस थी, हमारी कार्यालय का उद्घाटन नहीं हुआ था, शुरुआत नहीं हुई थी, आधे में वो कार्यालय को हमने शुरुआत कर दी, लोगों के लिए खोल दिया और उधर बैठ के लोगों से वन ऑन वन संपर्क किया। हफ्ते में 3 दिन ऐसा होता था कि हम सिर्फ और सिर्फ जनता दरबार लगाते थे, जनता पूरा भरोसा और विश्वास लेके मेरे पास आती थी, और 4 दिन लगातार हम लोगों के बीच में जाके उनके गली मोहल्ले में, उनके बिल्डिंग्स में, चाहे वो पहाड़ पे हो, चाहे वो समंदर के किनारे हो, हम सब जगह पहुँचते थे। और कभी लोगों ने एहसास नहीं होने दिया कि इतना बड़ा एलिगेशन उसके ऊपर लगा है। जैसा उन्होंने पिताजी के ऊपर विश्वास दिखाया, उतना ही भरोसा उन्होंने मेरे ऊपर रखा। ओके, पहला चुनाव है आपका असेंबली का, तो पहला ही है? जी, विधानसभा का चुनाव पहला है, इसके पहले 2017 में बीएमसी के चुनाव लड़ चुकी हूँ। ओके, अब नवाब मलिक साहब तो कह रहे हैं कि वो पीएम मोदी की फोटो इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप भी नहीं करेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चिन्ह पे चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारा वोट मांगने का एक ही मुद्दा रहता है कि हम काम करते हुए लोग हैं, काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। पिछले 15 साल से जब क्योंकि अनुशक्ति नगर विधानसभा की जो सीट है 2009 के डिलिमिटेशंस के बाद, वो एक नई तरीके की सीट बनी थी, और हमारा जो कुर्ला का पिताजी का जो विधानसभा क्षेत्र था वो रिजर्व्ड में चला गया था, तो अनुशक्ति नगर से पिताजी को राष्ट्रवादी कांग्रेस में दी थी वो सीट, और तब से हम हर इलेक्शन में पिताजी के लिए सक्रिय होकर काम कर रहे हैं, कैंपेन में उतर रहे हैं। एक चीज़ कॉमन देखी जो पिछले 4 टेन्योर में, वो यही था कि हर वक्त पिताजी ने हर इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ अपने काम के आधार पर मत मांगे, और उसी तरीके से पिछले 6-7 सालों से जब से मैं अनुशक्ति नगर में सोशल और पॉलिटिकल दोनों जगह काम कर रही हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। पर लोग तो ये कह रहे हैं ना इस बार की, पिछली बार तो आप बीजेपी के साथ नहीं थे, इस बार तो बीजेपी के साथ एनडीए में हैं, तो ऐसे में मुसलमान या लोग आप पर भरोसा क्यों करेंगे जो आपका ट्रेडिशनल वोटर है? देखिए, हमारे इधर मैंने पिछले 7 सालों में बहुत एक अलग चीज़ अपने पिताजी के लिए एक्सपीरियंस की है, मतलब उनके माध्यम से, कि जब भी कोई काम करने आता है तो हमने कभी उनका धर्म, उनकी जात, उनकी भाषा या कौन से प्रांत से आ रहे हैं ये नहीं देखा है। हमने लोगों का काम किया और उसी आधार पे लोगों से हमेशा वोट मांगा है। और आपको कुछ बताना चाहूँगी कि आज जब लोग आज सेना में या आज बीजेपी हो गई, क्योंकि इलेक्शन का चुनाव आ गया, आज जनता थोड़ी सी बढ़ जाती है कि मैं बीजेपी हूँ, मैं ये हूँ, तो हमने काफ़ी बीजेपी के पदाधिकारियों का काम किया है, मैंने काफ़ी आरपीआई के पदाधिकारियों का काम किया है, मैंने काफ़ी राष्ट्रवादी, काफ़ी कांग्रेस, काफ़ी सेना के पदाधिकारी को काम किया है। तो जैसे हम धर्म, जात, भाषा, प्रांत नहीं लाते काम के दौरान, तो हम, मुझे ये एक्सपीरियंस अभी पता चला कि हम पार्टी को भी नहीं लाते, तो सिर्फ और सिर्फ अनुशक्ति नगर विधानसभा के मतदार हमारे लिए होते हैं, फिर वो कोई भी धर्म के हो या जात के हो, भाषा के हो, प्रांत के हो या कोई भी पक्ष के हो। ठीक है, अभी अजीत दादा जो आपके नेता हैं, अजीत पवार को नेता मानते हैं ना आप? हाँ, ही इज माई लीडर। ठीक है, अब योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में आकर कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, इस पर अजीत दादा कहते हैं कि महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, यूपी में चलता होगा, आपका क्या स्टैंड है बटेंगे तो कटेंगे पर? ये सभी जो चुनावी दौरान के टाइम पे सभी एक स्लोगन्स या टैगलाइंस क्रिएट की जाती है, महाराष्ट्र में ये सब नहीं चलता है कि महाराष्ट्र के लोगों के बीच में इतना पोलराइज करना मतलब इजी नहीं है। और जहाँ तक मैं मुंबई की बात करूँ या अनुशक्ति नगर विधानसभा की बात करूँ, अभी तक ये पोस्टर या बैनर हमने अपने क्षेत्र में नहीं देखा और ना ही सोशली कहीं हमें दिखाई दिया है। ज़्यादातर हमें सिर्फ और सिर्फ आप जैसे मीडिया में जब हम आते हैं तभी ये प्रश्न विचार किया जाता है, लेकिन ऑन ग्राउंड देयर इज नथिंग ऐसा जो है। और जहाँ तक दादा ने जो स्टैंड लिया है वही स्टैंड पे हम भी रहते हैं। ओके, बीजेपी ने ही, केंद्र सरकार ने आपके पिता को जेल भेजा था, दाऊद से संबंध होने के आरोप लगाए थे, क्या आपके मन में वो गुस्सा अभी भी है या आपने उनको माफ कर दिया?
देखिए, ये जो पूरा एक केस रचा गया था वो मनी लॉन्ड्रिंग का रचा गया था, और उसमें कुछ एलिगेशंस हवाई तौर पे मेरे पिताजी के ऊपर लगाए गए। बोलना चाहूँगी कि सभी आरोप बेबुनियाद है। आज मैटर कोर्ट में है, सब जुडाइज है। जब भी इसका निकाल आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एज अ डॉटर डेफिनेटली मुझे वो गुस्सा रहता है, मैं और उस गुस्से को लेके मुझे जिसने भी अगर किसी ने कुछ क्रिएट किया है, एलिगेशंस लगाए हैं, तो मैं एज अ डॉटर उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी, और मुझे कहीं ना कहीं मेरे लिए वो इमोशनल एक इफेक्ट रहेगा। लेकिन क्योंकि भारत की बेटी हूँ, संविधान को मानती हूँ, और अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे किसी का आदर करना पड़ता है तो मैं उसका पूरा रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि संविधान हमें सिखाता है कि संविधान के पदों का एक आदर करना चाहिए, और उस आदर को मैं हमेशा मेंटेन करती हूँ। मैंने अभी नवाब मलिक साहब का आपके पिताजी का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस हो या कोई भी हो, मेरे खिलाफ जिसने बयानबाजी की मैं उन पर डेफेमेशन का केस करूँगा। क्या आप भी वही बात दोहराएंगे कि आप अपने पिता के खिलाफ दाऊद से संबंध और ये वो इस तरह के आरोप नहीं सुनेंगी? आपको मैंने बता दिया ये सब एलिगेशंस हैं, और जैसे पिताजी ने स्टैंड लिया है कि वो क्रिमिनल डिफेमेशंस और सिविल डिफेमेशंस करेंगे लोगों पे, क्योंकि डिफेमेशन आपका कोई फैमिली मेंबर्स नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ। आपको अगर आप डायरेक्ट पार्टी हो तो आप वो केसेस कर सकते हो, तो उस आधार पर अगर वो कुछ करेंगे तो उनका ज़रूर साथ दूंगी। ओके बीजेपी के एजेंडा से आप खुद को अलग करते हैं एनडीए में होते हुए भी, जैसा नवाब मलिक साहब ने भी कहा, आपने भी कहा कि हमें फोटो की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी प्रचार की ज़रूरत नहीं है एनडीए के नेताओं की तरफ से? नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया कि सिर्फ और सिर्फ काम के आधार पर हम वोट मांगते हैं, और जो मैंने देखा है, क्योंकि मैं राजनीति में नई हूँ, विधानसभा के चुनाव पहली बार लड़ रही हूँ, कहीं ना कहीं लोगों के संपर्क हमेशा बनी रही हूँ, तो लोगों के संपर्क के आधार पर और राष्ट्रवादी घड़ी के नाम पे जो हम वोट मांगते हैं, काम के आधार पे जो वोट मांगते हैं, उसी के आधार पे वोट मांगेंगे। ठीक है, जीत कौन रहा है इस बार? सना मलिक जीत रही है, नवाब मलिक जीत रहे हैं। सरकार किसकी आ रही है? हम दोनों तो हैं, अभी पता नहीं बाकी का। वही बात दोहरा रही है सना मलिक, जो इनके पिता कह रहे हैं कि इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में कुछ भी हो सकता है और अजीत पवार किंग मेकर बनेंगे। थैंक यू सना, थैंक यू सो मच।